देखिए बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों में और वर्करों में थोड़ा फर्क है। बहुजन समाज पार्टी अपना ग्रास रूट से जो मूवमेंट चलाती है उसको करके अच्छे वर्कर तैयार करती है। पहले समर्थक तो होते ही है, लेकिन उसके बाद एक अच्छे वर्कर बनाने के लिए उनको कैडराइज करती है और कैडराइज करके उनको एक मजबूत कार्यकर्ता के रूप में तैयार करती है और वो फिर पूरे मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। उत्तर प्रदेश के साथ साथ जैसे आपने बोला कि कई प्रदेशों में मैंने काम किया है, तो अभी मुझे दिल्ली में आदरणीय वैंड कुमारी मायावती जी ने लगाया है। तो मेरी यही कोशिश है कि जो समर्थक तो हैं बीएसपी के, बट वो कार्यकर्ता नहीं है, अभी कैडराइज नहीं है, तो वैंड कुमारी मायावती जी के निर्देशन में हम लोग कैडर कैंप चला रहे हैं, जगह जगह मीटिंगों के माध्यम से कैडर दे रहे हैं और उनको तैयार कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि वो कैडराइज अच्छे के रूप में अच्छे वर्कर बने और जिसके अच्छे परिणाम 2019 में नजर आए। सर, मानवर कांजीराम साहब कहते थे कि भाई मुझे बिकाऊ समाज नहीं चाहिए, मुझे बिकाऊ वोटर नहीं चाहिए, मुझे टिकाऊ वोटर चाहिए। सर, इस तथ्य के बारे में बताएं। देखिए, मानवर कांजीराम साहब की वही पॉलिसी को हम आपके सामने बैठा हूँ। 1981 से मैं जुड़ा हूँ और तब से लेकर के आज तक कोई मुझे बेचने वाला खरीदने वाला पैदा नहीं हुआ। तो ऐसे बहन कुमारी मायावती जी ने, मानवर कांजीराम साहब ने ऐसे वर्कर कैडर देकर के तैयार कर दिए कि जिसकी कोई कीमत लगाने वाला पैदा नहीं हुआ। जब तक इस टाइप के लोग बहन जी के साथ खड़े होंगे तो फिर कोई भी ऐसा कोई भी पैसे वाला धरना सेठ पैदा नहीं होगा जो बसपा के किसी कार्यकर्ता के या उसकी जमीन को खरीद सके। सर, 2019 का चुनाव जिस तरीके से आज सिर पे खड़ा हुआ है कि कभी भी चुनाव हो सकते हैं, तो उसके लिए आपकी क्या तैयारियां हैं? देखिए, जब से मैं आया हूँ तब से मैं कंटिन्यू नॉन स्टॉप मीटिंगें कर रहा हूँ और मैं समझता हूँ कार्यकर्ताओं में, दिल्ली की जनता में बहुत उत्साह है और जो आम आदमी पार्टी की सरकार बनी उसके भी अगेंस्ट है। पब्लिक जो है देख रही है कि उनको ठग लिया गया है और जिस तरह से मोदी जी ने उनको बहका दिया, इस तरह के अरविंद केजरीवाल ने भी बहकाया है। तो अब बहुजन समाज पार्टी ही एक तीसरा विकल्प है जो जनता के सामने हम पेश कर रहे हैं, लोग उसको स्वीकार कर रहे हैं। सर, आप जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? जनता से सीधी अपील करना चाहते हैं कि जैसे हालातों में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो पूरा देश आज कल बहन कुमारी मायावती जी की तरफ देख रहा है और कोशिश है कि जनता हमें समर्थन करेगी, क्योंकि हमारी पार्टी की नीतियाँ सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय कि ये नीतियाँ पूरे देश में ये लोग लाइक करते हैं। मैं समझता हूँ इससे बढ़िया और दूसरी किसी की पार्टी की नीति अच्छी नहीं हो सकती जैसे हमारी पार्टी की नीति है। सर, विपक्ष ने भी माना है कि आज अगर जो देश को बचा सकते हैं तो या संविधान को बचा सकते हैं तो बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ही बचा सकते हैं। सभी पार्टी के जो लीडर हैं उनका कहना है? देखिए, उन तमाम लीडरों का अपना अपना अनुभव है, लेकिन मैं भी लंबे अरसे से, मैंने जैसे कि बताया कि हम डी एस फोर से वामसेफ से लेकर के आज मैं आपके साथ खड़ा हूँ, तो मैंने बहन कुमारी मायावती जी की जो लीडरशिप को देखा, मैं समझता हूँ कि देश में तब देश में कोई उनके लेवल का कोई लीडर नहीं है, इतना स्ट्रॉन्ग, इतना गुड प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन का और पूरा सबके हित में काम करने वाला एडमिनिस्ट्रेशन की सलाह कोई दूसरा दे नहीं सकता। इसलिए अपोजिशन के सारे लीडरों ने स्वीकार किया है कि निर्विवाद नेता के रूप में बहन कुमारी मायावती जी हैं जो इस देश को गुड गवर्नेंस दे सकती हैं, इसलिए अगला प्रधानमंत्री सिर्फ बहन जी। सर, आप दिल्ली के प्रभारी हैं, कुछ लोग पार्टी से या व्यक्तिगत लोगों से द्वेष भाव करते हैं, तो सर उनको पार्टी में लेने का क्या प्रक्रिया है? देखिए, हमने 3 मासिक बैठक अटेंड किया है जो प्रदेश स्तर की मासिक बैठक होती है, उसमें शुरू में कुछ ऐसा लगा था तो मैंने धीरे धीरे करके जगह जगह जाकर के अपील किया है और सारे लोगों से जो नाराज़गी उनकी रही हो किन्हीं कारणों से, जो पूर्व प्रभारी या किसी भी पदाधिकारी से, तो मैंने पूरे सार्वजनिक रूप से उनकी तरफ से माफ़ी मांगी है और मैंने उनसे कहा है कि ये सब के लिए सुखबे का समय नहीं है और 2019 बहुत महत्वपूर्ण आ रहा है, इसके लिए सारे लोग मिलकर के जो घरों में नाराज़गी लिए बैठे हैं तो उनको मैंने सबसे अपील की है और सबसे क्षमा याचना करते हुए उनकी तरफ से जो पूर्व में किन्हीं के कारण वो नाराज़गी उन्हें है तो उनको सबको मैंने अपील किया है और वो जो स्वीकार किए और वो उनका समर्थन मिल रहा है, वो आने लगे हैं।